पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर घर नल का जल निश्चय अंतर्गत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचईडी विभाग द्वारा 31,883 ग्रामीण वार्डों में 50,93,000 घरों में जलापूर्ति कार्यों की समीक्षा की गई। हर तरह से लोगों को सुविधा, अब बताइए, अब गांव में हम लोगों ने ये सुविधा दे दी तब किसी को कोई कठिनाई तो होगी नहीं। तो आज तो अभी कुछ ही लोगों की बात हम लोग सुन रहे थे, लेकिन हर घर तक पक्की गली और नाले का निर्माण, ये काम भी हो रहा है। मुझे खुशी है कि उसके बारे में भी आप लोगों ने जो जानकारी मुझको दी है वो बहुत अच्छा है। कम से कम जो ग्रामीण इलाका है, पंचायती राज विभाग के द्वारा घर तक पक्की गली नाली निश्चय के अंतर्गत राज्य के 8,386 ग्राम पंचायतों के 1,14,691 वार्डों में से 1,13,902 वार्डों में निश्चय योजना का कार्यान्वयन पूरा कर लिया गया। अब आप सोच लीजिए, और नगर क्षेत्रों में और इस पूरे काम के कार्यान्वयन में 12,700 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया। जरा लोगों को जान लीजिए, कुछ बाएं दाएं इधर उधर रोज बोलते रहेगा, कुछ न कुछ बताते रहेगा, जाएगा तो गांव के लोगों को भड़काने के लिए, लेकिन भूलिएगा मत कौन क्या बोलता है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमको कोई रुचि नहीं है। जिसको जो मन में आवे, लोगों को गुमराह करने के लिए जो कहना है कहे, लेकिन याद करिएगा क्या हाल था पहले। पीने के लिए पानी मिलता था, घर से बाहर निकलने के लिए पक्की गली और नाली का निर्माण किया गया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा मत। और 12,700 करोड़ पंचायतों में और नगर क्षेत्रों में 3,370 वार्ड में से 2,325 वार्डों में इस काम को पूरा कर लिया गया है, और शेष काम इन्होंने कह दिया कि सितंबर तक पूरा कर लेंगे। तो आप जरा सोच लीजिए कि कोई कितनी बड़ी मामूली चीज है। और ये जो पक्की गली का जो निर्माण करते हैं, नाली का निर्माण तो एक हुआ, गली का निर्माण, वो दोनों साथ है, तो उसी के बगल में, तो ये जो गली का निर्माण करते हैं तो हम सब जगह लोगों को बता रहे कि भाई पक्का बनाइए, और कहीं कहीं ये जो पेवर ब्लॉक है ये इसकी उपयोगिता बहुत है। उससे होगा क्या कि जो वर्षापात होता है, पानी होता है, वो पानी भी जमीन के नीचे जाएगा, वो बहुत उपयोगी है। तो हम तो बराबर सब जगह कहते हैं कि पेवर्स ब्लॉक का इस्तेमाल करिएगा, जो बचा हुआ उसको भी देख लीजिए। और अभी जो आप लोगों ने तस्वीर दिखाई, हम उसको देखे, कई जगह पर हमने देखा कि पेवर ब्लॉक भी था, तो बड़ा अच्छा हमको लगा। तो पेवर्स ब्लॉक भी, और कहीं से भी कुछ हुआ तो तुरंत उसको हटा करके नीचे अगर कुछ हो गया उसको ठीक करके और उसका मरम्मत कर देगा, तो ये बहुत अच्छा है। और ये दोनों काम हो गया तो मैं तो इसके लिए बधाई देता हूं, और मुझको पूरा है, और जितने हमारे पंचायतों के मुखियागण हैं, सभी वार्ड के मेंबर हैं, सब लोगों को हम बधाई देते हैं, और उनके साथ काम करने वाली जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के जो सदस्य रहे, साथ साथ के करीब वो सब लोग, और जो इस काम में लगे हैं, मैं उन सब लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और मुखिया जी, एक बात याद करिएगा, हम लोगों ने क्या किया है, हम तो चाह रहे हैं पंचायत को भी सरकार, आप जरा याद कर लीजिए, जब से यहां काम करने का मौका मिला तो हमने क्या कहा, एक हम ही लोग सरकार नहीं है, पंचायत भी सरकार है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष अंगेश सिंह ने आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारे पार्टी द्वारा लगाई गई पोस्टर को घबराकर रातों रात हटवा दिया। उनकी बौखलाहट से साफ पता चलता है कि उनकी कुर्सी इस बार चुनाव में खिसकने वाली है। एक तरफ उनके प्रवक्ता ने हमें बरसाती मेंढक बताया तो दूसरी तरफ उन्होंने पोस्टर हटवाया। अंगेश ने आगे कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जिस तरह से इन 15 वर्षों में बिहार को लूटा है, बिहार की जनता जान रही है। सृजन घोटाला हो या नल जल घोटाला, ऐसे कितने ही योजनाएं हैं जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुए।
प्रेस वार्ता में शामिल संगठन सचिव पंकज प्रियदर्शी ने कहा कि ये पोस्टर तो अभी शुरुआत है जो पटना में लगा, जिसे मुख्यमंत्री ने रातों रात हटवा दिया। कल से पूरे बिहार में लगने जा रहे हैं, कहां कहां हटवाएंगे। उन्होंने हमारे सवाल के जवाब में कहा कि हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव अच्छी संख्या में मजबूती से लड़ेगी। प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष अंगेश सिंह, प्रदेश संगठन सचिव पंकज प्रियदर्शी एवं प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर मृणाल कुमार राज शामिल रहे। और बिहार बचाओ, क्योंकि हमारी टीम, जब बिहार की टीम जब जनता के बीच में हम जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि 15 साल हमने पहला जंगल राज देखा, बड़े भाई का जंगल राज देखा, 15 साल यह जंगल राज का दूसरा पार्ट में देख रहा हूँ और हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। आप लोग किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लाइए और मजबूती से हम लोग खड़े हैं, जनता आपके साथ खड़ी है। और आप जिस तरीके से दिल्ली में आपको हमने सरप्राइज दिया, वही सरप्राइज आपको बिहार में मिलेगा, ये बात जनता खड़ी है। कितने सीट में आप लड़ेंगे बिहार? कम से कम इतने सीट पे तो जरूर लड़ेंगे जितने पे 15 साल से सत्ता में बैठी हुई पार्टियां लड़ रही हैं। अच्छा, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने आपको बरसाती में ढक कहा। मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। जब दिल्ली में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए हम लोग गए थे, उस समय हमें गटर का कीड़ा कहा गया था। मेढक थोड़ा सा उससे ऊपर का क्वालिटी है। और जहां तक रहा तो फिर जदयू के प्रवक्ता ने कहा था, राजीव रंजन जी ने कहा, मैं उनको उनका धन्यवाद देता हूं। फिर वो दिल्ली चुनाव इसलिए गए थे, लड़ने के लिए नीतीश कुमार पूरा स्टेज सजा के गए बैठे हुए थे। बीजेपी की तरफ से जो बयान आया है कि मानहानि करना चाहिए, मानहानि का केस करना चाहिए, आपको खुलेआम बोलता हूं, फिर से उनको सुना दीजिएगा, आम आदमी पार्टी मानहानि और धमकियों से डरने वाली पार्टी नहीं है। हिम्मत है, खुलेआम चैलेंज करता हूं, सत्ताधारी पार्टियों में इतनी ताकत है तो आम आदमी पार्टी पे केस करके दिखाए, मानहानि का दावा करे, उसको झेलने के लिए हम लोग बैठे हुए। अकेले आप बिहार को बदल लेंगे? हमारे साथ पूरी जनता है, पूरे बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व हम आज डेट में आम आदमी पार्टी कर रही है। और अगर आपको विश्वास नहीं है, आप लोग जाके सर्वे कीजिए, स्वतंत्र एजेंसी सर्वे कर कीजिए और फिर देखिए क्या आपको रिजल्ट आता है। यही सवाल कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में खड़ी हुई है, उसका जमानत जब्त हो जाएगा और फिर 67 सीट आया था। अभी तक आपने दिल्ली के कामों को बताया, बिहार के लिए आप क्या करेंगे ये बताइए। बिहार के जरूरत के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, हम चुनाव के मौके पे जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, एक उचित समय पे अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। और मुख्य मुद्दा हमारा पलायन होगा, मुख्य मुद्दा बिहार में रोजगार होगा और शिक्षा की और स्वास्थ्य की जो एकदम ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था है वो हमारा मुख्य मुद्दा होगा। अपराध लगातार रोज मर्डर, हत्याएं, बलात्कार हो रहा है। हम आज भी 3 दिन पहले की हाजीपुर की घटना है, बलात्कार कर दिया गया 35 साल की महिला का, 55 साल की महिला का, तो कोई सुरक्षित नहीं। यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत होती है तो आम आदमी पार्टी आके धरना प्रदर्शन कर रही है आज के डेट में। पटना में नीट और जी एग्जाम के विरोध में यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर किया गया, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज ने कहा कि सरकार लाखों छात्रों की जान से खेल रही है, बिहार में बाढ़ और कोरोना का खतरा विकराल रूप लेता जा रहा है, ऐसे में परीक्षा लेना अनुचित है। नरेंद्र मोदी शरम करो, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी शरम करो, शरम करो, शरम करो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, तालाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। हमारी बात है, हम लोग परीक्षा विरोधी नहीं है, न मेरिट को करने का। कांग्रेस हमारी नेता सोनिया जी ने स्पष्ट कहा कि अभी जो सेमेस्टर के हिसाब से डिग्री दे दिया जाए, जो जिस छात्र पर लगे कि हमको कम नंबर आया है उसको आगे परीक्षा देने की छूट हो। लेकिन ये मौत के तांडव में एक तरफ है कि हम लोग एक के साथ अभी कर रहे हैं, ये गलत है।
दूसरी बात है कि एक एक होटल में एक एक रूम में 20 को लड़का रहता है परीक्षा देने के लिए, उसको जीवन से खेल रहे हैं। तो ये परीक्षा दिलाना नहीं है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पैसा अगला से आ जाए, वहाँ हॉस्टल खाली हो जाए, उनका धंधा चले, इसके लिए जल्दी परीक्षा है। छात्रों के भविष्य के लिए परीक्षा जल्दी नहीं है। ये बड़े बड़े जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनका एक सत्र मर रहा है, उसके लिए पैसा हुआ ही के लिए ही परीक्षा जल्दी चाहिए। तो यदि वही करना है जितने भी कैपिटलिस्टों को उसको खरपतिए बनाना है, तो आप हम लोगों को सेमेस्टर के हिसाब से रिजल्ट दे दीजिए और वो अपना पैसा वसूल ले। फिर जो लड़का को लगेगा कि सेमेस्टर में हमको कम नंबर मिला है, उसको आप अलाउ कीजिए कि 4 महीना 3 महीना के बाद, हमारे मुख्यमंत्रियों ने 4-5 ने कहा है 2 महीना के बाद एक परीक्षा दे दीजिए, जो लड़का देना चाहे वो दे सकता है। दो ही सेंटर बनाए गए हैं, पटना और गया। हिटलर से दो जगह में यह संभव नहीं है कि परीक्षा लिया जाए पूरे बिहार के छात्रों की। पटना और गया में कहां से 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर से कहां से छात्र आएंगे, 250 किलोमीटर यात्रा करके आएगा, किस होटल में छात्र रहेगा, छात्राएं रहेंगी। सबसे मूल समस्या ये है कि दो शहरों में सेंटर बनाए गए हमारे पटना और गया में। आप सोच लीजिए कोई भी व्यक्ति कि कोरोना महामारी में किस तरह वो ट्रैवलिंग करेंगे, कहाँ रहेंगे, किस परिस्थिति में रहेंगे। यह सरकार पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है। अपने तो मुख्यमंत्री निकल रहे हैं 2 महीना बाद घरों से, और छात्रों अभिभावकों का कोई चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपने घरों में कैद हैं, और छात्रों अभिभावकों की इस तरह से कि आप पटना गया 2 सेंटर दे दिए हैं, पूरे बिहार के छात्रों को वहां बुला। बिहार विधानसभा को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी एक कदम आगे चल रही है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार की जनता ने मान लिया कि असली प्रतिद्वंदी और वो जिम्मेदारी हमें एहसास हुआ, तो कोर कमिटी ने बिहार में लगभग 150 सीट चयनित करके अपने उम्मीदवारों को इंटरनल चुनाव लड़ने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। 150 सीटों पर जो रेस्ट सीट है उस सीटों पर हम गठबंधन करेंगे जो बिहार में बचाने की तैयारी में है, लेकिन 150 सीटों पर लगभग 40 लाख सदस्यता हमारी बन के आ गई। बूथ कमेटी लगभग 40 विधानसभा पर कंप्लीट हो गई। पटना जिले के सभी विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। पटना जिले नगर महानगर खास तौर पे सभी, पटना की जनता 40 सालों के बीजेपी के सुशासन से तबाह हो चुकी, नरक में जी रही। दोनों एमपी बीजेपी लगातार 30 सालों से नगर मंत्री वही लोग, मेयर वही लोग, नगर पालिका वही लोग। हमारी लड़ाई पटना के सभी सीटों पर बीजेपी और 15 साल पूर्व की सरकार से आर पार होगी, कंप्लीट आर पार, कंप्लीट, और कोई कंप्रोमाइज इस सीट पर नहीं होगा। पटना के सीटों पर पटना को हम नंबर वन देश का, एशिया का नंबर वन पटना देखें बनाएंगे, दुनिया देख रही है कि पटना। और 3 साल के अंदर, 30 साल बनाम 3 साल, 30 साल बनाम 3 साल, और नीतीश कुमार जी को 5 साल के सुशासन के लिए चुनौती देंगे। गांधी मैदान में श्वेत पत्र जारी करें और जनता के बीच में चुनौती कबूल करें। पूर्णिया
जिले के जलालगढ़ प्रखंड से एक दिल दहलाने वाला सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जलालगढ़ प्रखंड के चक पंचायत स्थित बैसा गांव के वार्ड नंबर 11 में 3 बच्चों की मौत पानी में डूबकर एक ही साथ हो गई। इस दर्दनाक हादसे से पूरे प्रखंड इलाके के लोग गहरे सदमे में हैं। चिकित्सीय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए अपने समक्ष 9 बजे रात्रि में लाश का पोस्टमार्टम कराया। एन मौके पर मृतक के परिजनों भाई बंधुओं से ऑन द स्पॉट मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें ढाढ़स बंधाने का कार्य किया। साथ ही विधायक मोहम्मद आफाक आलम ने कहा कि मैं जात पात से परे लोगों की केवल सेवा तथा कार्य करने में विश्वास करता हूं। मुझे यह भी पता है कि समय आने पर कार्य के बदले मेरी प्यारी जनता इसकी मजदूरी भी अवश्य देगी। से 8 दिन पूर्व अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुकेला गांव में एक 55 वर्षीय महिला की गला रेतकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतका का नाम प्रेमलता देवी, पति योगेंद्र प्रसाद मेहता साकिन सुकेला बताया जा रहा है। इस हत्याकांड के प्रमुख आरोपी खुद योगेंद्र प्रसाद मेहता का अपना भतीजा अनिल मेहता व सुनील मेहता पिता शिवनारायण मेहता है। इनके साथ साथ इनके पड़ोसी सूरज मेहता पिता स्वर्गीय फुदन मेहता भी इस हत्याकांड में शामिल हैं। इन सबों ने मिलकर 9:30 बजे तड़के ही एक धारदार हथियार से प्रेमलता देवी का खून कर दिया। गौरव के गले तो हम देख लिये पटवार से निकले, हम जा रही घास ले पटवार से निकल गिर गई पाने लगे गौरव के कनिया। तो हमें अलिये गौरव का कह ले गौरव है गौरव एक आदमी और कहलिए तो कलक हमरा नहीं पता मारलक की कर हमें अलिये गौरव के कह गौरव हे कनिया के तू मारल कहलिए हम तोरा कनिया के तू मारल है या बच्चा लक निकल तो बच्चा लक निकल तो बच्चा के दे दल के गप्पो बच्चा के दे दल के बाप लिख के बाप एक खा के सुतल रही। तो हमें कहे कि एत से घूर के हम आपस गौरव की कल्क इतना तो बात सुने के साथ गौरव दरबार दल तो जान रही कि हमारे माई हरियाल हमारा तो पता नहीं रही बाबू दरबार दल पाछा हम गेल तो गिर गए हम रोड पर से देखे मुँह से गिर गए गिरे के बाद एक पाछा हम दरबार दिल इो किया गिर गए एक कनिया तो कानते रहे इो जाकर गिर गए अतने बात है अतने बात देख लिये तक बाद हम रोड पर हल्ला कर लिये मतलब देखे नहीं किसी के देखो नहीं है तब बाइक में चले गए। की नाम होले अपना रो? चांदनी देवी। पति का नाम? सूरज मेहता। सूरज मेहता, आप ये जो हत्या का घटना हुआ है गौरव की मम्मी का प्रेमलता देवी का इस संबंध में आप क्या जानते हैं? हम यही जानते हैं कि वो रास्ते से जा रहा था। कौन? सुनील मेहता। सुनील मेहता, हाँ। जिस रास्ते में हत्या हुआ? हाँ, उसी रास्ते से जा रहा था, इधर उधर देख रहा था चुकुर भुकुर और इधर से जा रहा था। तो हम इधर से गए उसका मम्मी को पूछने के लिए जो दीदी ठाठी बोलते जो दीदी ये की बात छे से सुनील देखे बड़ा चुकुर भुकुर करने जा रहा तो कहे कि जे देख ली तू तो मुँह के जो बंद कै ली अपना घर में रहियन पहने के हमारा कल धमकी दे दिल्क ओकर मम्मी द्वारे पर है जे तो अपना घर में जो रहियन गे तो हमें चल अलिये तकर बाद अलिये तकर बाद ओकर जे हत्या करलक ये सुनील मेहता दुनू प्राणी अल हमरा ना कहे छे चाची जे देखलन ये तो मुँह के बंद कै के राख नहीं तो जो नौबत ओकर भले वह नौबत तोरू तोरा धमकी मिलले हमरा धमकी मिलले तो हमू बंद कै लिये नहीं ठीक है हमरा घर में नहीं हमारे घर वाला रही नहीं अगल बगल हमारा घर वाला आपका कहाँ रहता है? रहता है घड़े में वो तभी नहीं था चला गया था घास काटने के लिए। आपका पति का नाम क्या हुआ? सूरज में। सूरज में। आपके ससुर जी का नाम? श्री फुदन स्वर्गीय फुदन मेहता। ठीक, आपसे बात करने के लिए। जोगिंदर मेहता। जोगिंदर मेहता, आप कहाँ के वासी हैं? सुकेला। सुकेला के वासी हैं सर। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर में जो है जो घटना घटी प्रेमलता देवी का जो हत्या किया गया जी। इस संबंध में आप क्या कहते हैं? हम तो एक तो समिति का दरवाजा पर पंचायत हो रहा था, उसी पंचायत में थे, वहाँ से हम आए करीब करीब लगभग जो 12:30 बजे आए ना। दो आदमी हमारा दरवाजा पर भी बैठा हुआ था, वहाँ गए अपना बंगला में जाकर। वो हम सर विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं, इन शॉर्ट शॉर्ट यानी शॉर्ट में आप ये बताइए कि जो हत्यारा है जिसका कि आरोप हमारे जो प्रेमलता देवी का जो हस्बैंड है उसने जो लगाया है उसके साथ क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए, जो हत्या किया उसको बोला सजा होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई उसको कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, मना ये हत्यारा बचना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हर हाल में होना चाहिए, हत्यारा को हत्या होना चाहिए, फांसी होना चाहिए न तो सजा होना चाहिए, बस यही जानना चाहते हैं सर उसके साथ क्या किया जाए। ठीक है सर, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। स्टार्ट, क्या नाम हुआ आपका? सर रिमी कुमारी। सर रिमी कुमारी। रिमी कुमारी, आपके हस्बैंड का नाम? सर सुरेश मेहता। कहाँ घर हुआ आपका? सिरसिया। सिरसिया, ये मायके हुआ आपका? ससुराल आपका हुआ सिरसिया। तो ये जो आपकी माताजी का हत्या किया गया है, इस संबंध में आप क्या जानते हैं? सर पहले हम नहीं थे, वहाँ से आए, जब ससुराल में थे वहाँ से फोन की कि ऐसे ऐसे मामला बारे में नहीं बताई ये लोग, ऐसे बोली कि यहाँ आइए बहुत जरूरी है आपको आना होगा, तो वहाँ से आए तो यहाँ आए आसपास से पूछने लगे कि क्या बात थी, जब पहले से ये सब बात क्या बात था जो कि यहाँ ऐसा घटना घटा, तो यहाँ का सब औरत बोली कि नहीं नहीं कोई बात नहीं था, हम लोग नहीं देखे, और वहाँ से जब पता लगाने लगे आसपास के जो पहले आई थी महिला उससे पूछे, बोली कि नहीं यहाँ का औरत जो थी सब खड़ी थी ऐसे करके, कोई औरत नहीं गई उसके हाथ लगाने के लिए, जिसके यहाँ ले गए थे उसको जो हत्यारा थी हत्या की वो उसके यहाँ ले गए, तो वो पानी भी नहीं दे रही थी उसको कि इसका दांती लगा हुआ था इसको छुड़ाएंगे, उसको एक गिलास पानी भी नहीं दी, औरत बोलवो कि आपका द्वार पे जब घटना घटी अगर ये भी दम तोड़ देगी यहाँ तब क्या होगा, तो वो औरत टांग के यहाँ मेरे यहाँ ले के आई, लेकिन वो सब जितना भी औरत थी वहाँ आसपास की एक औरत साथ नहीं दी कि इसको ले जाना चाहिए, आपका कहने का मतलब है कि इस सिचुएशन को देख करके कि हत्यारा वही है? जी हत्यारा यहाँ का औरत, तीन चार तो औरत वो भी है इसमें शामिल है। जी शामिल है। कौन कौन, नाम बताइए सर औरत? अभी अभी क्या नाम बोली इसका मम्मी, मतलब आप जिसका नाम जानते हैं? क्या नाम हुआ आपका सर जी? गौरव कुमार। गौरव कुमार जी, आपकी माँ का हत्या किया गया है जी, तो आप कितने भाई हैं? हम एक ही भाई। बहन? बहन दो बहन है, एक भाई है। दो भाई दो बहन है, शादी हो गई उसकी जी, और आप हैं, आपकी भी मैरिज हो गई है जी? मेरे भी मैरिज। कहाँ मैरिज हुआ था? गखलपुर, सोरा गखलपुर। सोरा गखलपुर में। तो आपकी माँ का हत्या किया गया जी, मैंने गला रेत करके जी, तो यह आपको पता कैसे चला कि हत्या किया गया माँ का? हल्ला हुआ था जी, हल्ला हुआ था, कोई लेडीज आके हमको बोला था कि ऐसा ऐसा बात। कब हत्या किया गया, कितना दिन पहले? ये सर सात रोज हुआ है। सात दिन हो गया जी। तो यह हत्या जो किया गया, हत्या का आरोपी कौन है? आपको किसी से झगड़ा लड़ाई या किसी को धमकी दे रहा था? मेरा पड़ोसी का आदमी धमकी दे रहा था कि मेरा मां डैन है, तुम्हारा मां डैन है, यही सब बारे में। मतलब डैन के आरोप में जो है आपकी माँ का हत्या किया गया जी, मतलब डैन का आरोप लगाता था कि तुम्हारी माँ डैन है जी। कौन आरोप लगाता था, क्या नाम है उसका? अनिल कुमार लगाता था, सुनील कुमार लगाता था, बस ये दो ठो का नाम जानते हैं। एक मेरा चाचा जी है, पहले धमकी दे के गया था, कुछ दिन पहले 5 साल पहले का धमकी दे गया था। क्या धमकी दिया था, मार देना? हाँ, वो पहले ही धमकी दे के गया था कि तू लोग बचा रहा है उसको, एक तो मेरा और चचा है उसी को बचाने के चक्कर में वो धमकी दे के गया था कि तू लोग उसको बचा रहा है, हम तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये धमकी दिया गया जी, यानी आपको अभी भी जो माँ का देहांत हुआ, माँ की जो हत्या हुई, हत्या के आज 7 दिन बीत गया, 7 दिन बीतने के बाद भी आपको धमकी मिला है क्या? जी मिला है, एक धमकी और मिला, सुनील कुमार धमकी दिया है वो, मतलब कल के रोज हम शाम के टाइम में पेशाब करने के लिए गए थे उधर, तो उधर से जब लौटे तो हमको सुनील कुमार आवाज़ दिया, तो बोला कि आप जो केस कर चुके हैं वो केस वापस कर लीजिए, वापस लीजिए, तो हम बोले किस लिए, तो बोला कि ऐसा ऐसा बात है हमको जो फंसाया जा रहा है, तो फिर हम उसको बोले कि आप उससे फड़ियाइए, जो आपका नाम दिया है उससे फड़ियाइए, आप हमको क्यों बोल रहे हैं ये बात, तो फिर वो बोला कि आप को भी नहीं छोड़ेंगे, वो डायरेक्ट बोल दिया। हाँ, आपको भी धमकी मिला? हाँ, हमको भी धमकी दिया कि आपको भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं पापा को छोड़ेंगे, नहीं आपका तुमको छोड़ेंगे, हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, तब हम उसको हम तो वो जो धमकी देता है वो दबंग आदमी है क्या, हथियार वगैरह रखता है या रंगबाज? ये बात तो हम नहीं जानते हैं, मना गांव में रहते हैं तो आपको कुछ अंदाज होगा ना दबंग है या जी नहीं वैसा नहीं है नहीं। चलिए ठीक, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद।